मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी, फ्लाइट को दिल्ली किया गया डाइवर्ट, सभी यात्री सुरक्षित। जम्मू कश्मीर में नए सीएम के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ, 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन, अधिसूचना जारी। यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जारी किया गया येलो अलर्ट। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग में युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम, देर रात तक प्रदर्शन जारी। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सलमान सहित 25 गिरफ्तार, लापरवाही पर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी निलंबित। फायरिंग में मारे गए युवक राम गोपाल का हुआ पोस्टमार्टम, घटना के बाद क्षेत्र में तनाव, स्कूलों में की गई छुट्टी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अभी तक 3 गिरफ्तारी, 3 आरोपी अभी भी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, अभिनेता सलमान खान के घर की बढ़ाएगी सुरक्षा। लॉरेंस को रास नहीं आ रहा था, बॉलीवुड पर सिद्दीकी का राज, अपना दबदबा चाहता है बिश्नोई, इसीलिए करवाई हत्या। मध्य प्रदेश में बाबा सिद्दीकी के फरार हत्यारे की तलाश, उज्जैन और ओंकारेश्वर पर इंटेलिजेंस की खास नजर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार संदिग्ध नाबालिग नहीं, धर्मराज कश्यप की अस्थि परीक्षण से इस बात की हुई पुष्टि। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद बिश्नोई को पप्पू यादव की चुनौती का, 24 घंटे में खत्म कर सकता हूँ इसका 2% का नेटवर्क। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया स्टार शिप रॉकेट, आखिरकार 5वीं बार में कामयाब हुआ स्पेस शिप मिशन। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति ने किया संबोधित का, वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की भारतीय समुदाय की सराहना का, सामूहिक प्रयासों से तेज गति से आगे बढ़ रहा भारत। यूपी उपचुनाव में भाजपा 9 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी, 1 सीट सहयोगी रालोद के लिए छोड़ने पर बनी सहमति। शेयर बाजार में हरे निशान पर कारोबार की हुई शुरुआत, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,000 के पार। बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल को FAIMA का समर्थन, देश भर के अस्पतालों में आज बाधित रहेंगी स्वास्थ्य सेवाएं। पीएम मोदी कल करेंगे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन, आयोजकों की ओर से भेजे गए निमंत्रण में दी गई जानकारी। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा ये बुनियादी ढांचे में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। लद्दाख में आसमान में दिखी रंग बिरंगी ध्रुवीय रोशनी, भारत की अंतरिक्ष मौसम निगरानी को मिली वैधता। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत ने भरी हुंकार, प्रयाग महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होने देंगे संत। ऑनलाइन टैक्सी कंपनी ओला की नहीं चलेगी मनमानी, अब ग्राहकों को रिफंड के लिए देना होगा पसंद का विकल्प। किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान का, किसानों ने माहौल बनाया इसीलिए हाई कांग्रेस। तूफानों को और शक्तिशाली बना रहा जलवायु परिवर्तन, गर्म समुद्री सतह के कारण मजबूत हुआ तूफानी मिल्टन। बेहतर वित्तीय यात्रा के लिए दिवाली त्यौहार से लें सीख, निवेश को अनुष्ठान की तरह बनाएं अपनी आदत। सर्दी में अब दिल्ली के चिड़ियाघर में सांप ओढ़ेंगे कंबल, पुआल पर सोएंगे हिरण, सुबह शाम होने लगी ठंड। गाजियाबाद की डांसर के साथ आगरा में हुई दरिंदगी, 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा, छानबीन में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 IPS के किए ट्रांसफर, मनोज सिंह टीकमगढ़ और दीपक के सीहोर के SP बने। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के समर्थकों को पुलिस ने पीटा, पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। एकला चलो की नीति से बसपा की बढ़ सकती है मुश्किलें, यूपी में गठबंधन नहीं करने का फैसला पड़ सकता है भारी। महा विकास अघाड़ी ने सिंध सरकार को बताया गद्दार का, गुजरात के लिए महाराष्ट्र को दिया धोखा। मोदी सरकार 70 साल से ज्यादा बुजुर्गों को देगी उपहार, 6 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य पैकेज से मिलेगा फायदा। राहुल गांधी ने सरकार की अग्निपथ योजना पर उठाए सवाल, पूछा क्या एक सैनिक की जिंदगी दूसरे से कम कीमती। असम के करीमगंज में 4.5 करोड़ की हेरोइन बरामद, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खड़गे के आतंकियों की पार्टी वाले बयान पर भाजपा का पलटवार, JP नड्डा बोले बेवैचारिक दिवालियापन के हो गए शिकार। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का होगा जीर्णोद्धार, कानून मंत्री बोले सर्वे रिपोर्ट का हो रहा है इंतजार। गुजरात के अंकलेश्वर में पकड़ी गई 518 किलोग्राम कोकीन, दिल्ली पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में बनाई जाएगी नई मिसाइल परीक्षण रेंज, सुरक्षा कैबिनेट समिति ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। खड़गे के बेटे ने कर्नाटक सरकार को लौटाई जमीन, ट्रस्ट के लिए बेंगलुरु में आवंटित हुआ था प्लॉट। अमेरिका के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति का बड़ा बयान का, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपट सकते हैं भारतीय व्यस्त। शिलांग पुस्तक मेले में बड़ी जापानी और विदेशी साहित्य की मांग, वहां की सभ्यता और लोक संस्कृति को जानना चाहते हैं युवा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, गृह मंत्रालय से मिली CRPF सिक्योरिटी। महाराष्ट्र के नेताओं से आज मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा।
पूर्व सांसद नवनीत राणा को मिली गैंगरेप की धमकी। आरोपी ने पत्र लिखकर मांगी 10 करोड़ की फिरौती। हरियाणा के नए सीएम के लिए शाह को बनाया ऑब्जर्वर। 16 अक्टूबर को विधायक दल की होगी बैठक। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने भारत को 9 रनों से हराया। जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह की पक्की। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 151 रन बनाए। जवाब में 20 ओवर में 142 रन ही बना सकी भारतीय टीम। अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच पर भारत की निगाहें। सेमीफाइनल के लिए पाक के जीत की करनी होगी दुआ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका। ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन चोट के चलते सीरीज से बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।